मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है मेमोरेंडम क्या होता है पहले देखते हैं इसका मीनिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी यह एक कंपनी का संविधान है इट इज़ अ चार्टर ऑफ कंपनी यह कंपनी का चार्टर है इट प्रोवाइड्स फाउंडेशन ऑन विच स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी इज़ बिल्ड यह एक फाउंडेशन प्रोवाइड कराता है जिसपे कि कंपनी का स्ट्रक्चर बिल्ड होगा उस पर कंपनी का स्ट्रक्चर बेस्ड होगा इट डिफ़ाइंस स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ कंपनी ओके स्कोप ऑफ इट्स रिलेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड यह स्कोप बताता है कंपनी क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकती है उन एक्टिविटीज़ का स्कोप वह एक्टिविटीज़ कहाँ तक लिमिटेड है उनकी क्या लिमिट्स हैं और आउटसाइड वर्ल्ड से क्या क्या रिलेशन कंपनी बना सकती है उसके उसका स्कोप बताता है मेमोरेंडम उसकी लिमिट्स बताता है उस तो स्कोप से, से बाहर नहीं जा सकता कोई भी इट डिफ़ाइंस लिमिट्स ऑफ इट्स पावर्स क्या क्या पावर्स क्या कहते हैं कंपनी या फिर उसके मेंबर उसके डायरेक्टर जो भी हैं उनकी पावर्स क्या क्या हो, हो सकती हैं उन पावर से बाहर कोई नहीं जा सकता एक्सटेंट एम्बिट ऑफ द पावर नथिंग शेल बी डन बियॉन्ड दैट पावर उस पावर्स के बाहर कुछ भी नहीं किया जा सकता तो मेमोरेंडम जो है वो एक लिमिट बता देगा कि केवल यही चीज़ की जा सकती है यही चीज़ अलाउड है इसके बाहर कुछ भी किया वह वॉइड होगा डेफिनेशन मेमोरेंडम की सेक्शन टू क्लॉज फिफ्टी सिक्स में कहा गया है मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फॉर्म्ड और एल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और दिस एक्ट मेमोरेंडम का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है जो ओरिजिनली जो शुरुआत में बनाया गया हो या फिर टाइम टू टाइम चेंज किया गया हो ऑल्टर किया गया हो किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के परसुएस में के अकॉर्डिंग या फिर इस एक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया गया हो ये हो गया डेफिनेशन परपस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पर्पज़ क्या है क्यों बनाया जाता है प्रॉस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स कैन कंटेम्परेट रिस्क इन्वॉल्व इन देयर इन्वेस्टमेंट बाय नोइंग द फील्ड इन विच कंपनी विल यूज देयर फंड एंड द पर्पज ऑफ द कंपनी अब कोई प्रॉस्पेक्टिव शेयर होल्डर है कोई पर्सन है जो किसी कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहता है उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मेमोरेंडम में बताया गया है क्या क्या एक्टिविटीज़ कंपनी कर सकती है किस किस फील्ड्स में काम कर सकती है क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं क्या क्या पर्पज़ हैं कंपनी के तो इन चीज़ों को जानकर मेमोरेंडम को पढ़कर वह वे व्यक्ति जान जाएगा कि किस फील्ड में कंपनी काम कर सकती है क्या क्या एक्टिविटीज़ करती है कंपनी क्या क्या पर्पज़ है तो उसका इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी किस फील्ड में इन्वेस्ट करेगी तो इससे वह अपने इन्वेस्टमेंट पर क्या रिस्क हैं इनको पता लगा सकता है क्या कहते हैं शेयर होल्डर प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर जो व्यक्ति शेयर होल्डर बनना चाहता हो एंड आउटसाइडर डीलिंग विद कंपनी कैन एग्जैक्टली नो द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड वेदर द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन विद विच दे इंटेंड टू एंटर इंटू विद द कंपनी इज़ विद इन दब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी और नॉट जैसे मेमोरेंडम में, में, में कंपनी के ऑब्जेक्ट्स वगैरह बताए हुए होते हैं क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं क्या क्या लिमिट्स हैं तो इससे कोई आउटसाइडर अगर कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस वह मेमोरेंडम वगैरह को पढ़ के पता लग सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के लिमिट्स में है या नहीं है एनी ट्रांजेक्शन नॉट विद इन द एक्सटेंट ऑफ पावर्स इज अल्ट्रा वायर्स और एंड वॉइड अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा होता है जो इस पावर्स के एक्सटेंट में नहीं है इससे बाहर किया जाता है ठीक है जितनी पावर्स हैं उससे बाहर कोई ट्रांजेक्शन किया जाता है तो वो अल्ट्रा वायर्स होगा बियॉन्ड पावर होगा अल्ट्रा वायर्स माने बियॉन्ड पावर और वॉइड होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी सो वाइल्ड ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एटमोस्ट केयर शुड बी टेकन टू एंश्योर स्कोप इज़ वाइड इनफ टू इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज़ इन विच कंपनी में एंगेज इसलिए जब भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना जाता है उस टाइम बहुत ही एटमोस्ट केयर बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाना चाहिए ये इंश्योर करना चाहिए कि उसका इसकोप जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोशिएशन का वो काफ़ी वाइड इनफ हो जिससे कि सारी एक्टिविटीज़ उसके अंदर इंक्लूड हों जो कि कंपनी कर सकती है जिन एक्टिविटीज़ को वो सब मेमोरेंडम ऑफ एसोशिएशन के अंदर आ जाएँ कहीं ऐसा ना हो कोई एक्टिविटीज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आई नहीं है और बाद में अगर कंपनी को वो करनी होंगी तो वो उस टाइम अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर नहीं है तो वो बियॉन्ड पावर हो जाएंगी और वॉइड हो जाएंगी कंटेंट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में के क्या क्या कंटेंट्स हैं उसके अंदर क्या क्या होते हैं उसके अंदर फंडामेंटल क्लॉज जो हैं वो हैं नेम क्लॉज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ऑब्जेक्ट्स क्लॉज लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज और कैपिटल क्लॉज ये फंडामेंटल क्लॉज है कंटेंट्स हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तो पहला देखेंगे हम नेम क्लॉज नेम क्लॉज में क्या क्या है कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन मस्ट हैव अ नेम कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति है लीगल पर्सन है इसलिए उसका कोई नाम भी होना चाहिए द नेम द कंपनी कैन नॉट गेट रजिस्टर्ड विद नेम विच सेंट्रल गवर्नमेंट थिंक्स अनडिजायरेबल कंपनी किसी ऐसे नाम के साथ रजिस्टर नहीं हो सकती जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है केंद्र सरकार जिसको अनडिजायरेबल समझती हो अनडिजायरेबल कौन कौन से होते हैं दैट द नेम शुड नॉट कॉन्ट्रावीन एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम प्रॉपर यूज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी इस एक्ट के साथ कॉन्ट्रावीन नहीं होना चाहिए इसका कोई उल्लंघन नहीं करना चाहिए उस नाम को दॉ शुड सजेस्ट गवर्नमेंट्स पेट्रोनेज और प्रोटेक्शन टू कंपनी उस नाम से कुछ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गवर्नमेंट का कुछ संरक्षण उस कंपनी को मिला हुआ है या गवर्नमेंट की कोई सुरक्षा उस कंपनी को मिली हुई है उस नाम से ऐसा कुछ नहीं पता लगना चाहिए द नेम शुड नॉट इंक्लूड वर्ड कोऑपरेटिव नाम में कोऑपरेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड एंटरप्राइजेस आर प्रोहिबिटेड टू यूज़ वर्ड नेशनल जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी और एंटरप्राइज हैं जो गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेज नहीं है वो अपने नाम में नेशनल वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते द नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल एनी अदर रजिस्टर्ड कंपनीज नेम कोई और रजिस्टर्ड कंपनी नेम है कोई और रजिस्टर्ड कंपनी है उसका नाम है उस आपकी कंपनी का नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए सेम नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ही ज़्यादा रिजेंबल करना चाहिए ये हो गया आपका नेम क्लॉज अगला आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज सेक्शन ट्वेल्व क्लोज वन में कहा गया है अ कंपनी मस्ट हैव रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन थर्टी डेज़ ऑफ इनकॉर्पोरेशन और ऑन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच एवर इज़ अर्लियर अगर इनकॉर्पोरेशन हो गया है रजिस्टर रजिस्ट्रेशन हो गया है कंपनी का तो उसके तीस दिन के अंदर कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस अपना उसका होना चाहिए या फिर जिस दिन उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है कमेंस कर लिया है उस दिन उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए इन दोनों में से जो भी सबसे पहले हो जाए उस टाइम कंपनी के पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए इसका पर्पस क्या है रजिस्टर्ड ऑफिस का इससे क्या होगा इट इनेबल्स पर्सनस इंक्लूडिंग रजिस्टर डीलिंग विद कंपनी टू सर्व नोटिस डॉक्यूमेंट्स कम्युनिकेशन इससे क्या है लोक बाग वगैरह जो हैं और रजिस्टर वगैरह जो हैं वो कंपनी से डील कर सकते हैं उनको नोटिस भेज सकते हैं उस रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पे डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं उनसे संवाद कर सकते हैं कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो ये हो गया रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज अगला है ऑब्जेक्ट्स क्लॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज इट सेट्स आउट पर्पज़ फॉर विच कंपनी इज़ फॉर्म्ड एंड द काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ बिज़नेस इट इंटेंट्स टू कैरी ऑन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज है इस क्लॉज में बताया जाता है कि कंपनी का बनाने का पर्पज़ क्या है और किस किस तरह की एक्टिविटीज़ किस किस तरह के बिज़नेस कंपनी इंटेंट करती है करने के लिए किस किस तरह के बिज़नेस करेगी किस किस तरह की एक्टिविटीज़ करेगी अगला है लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज इस क्लॉज में क्या क्या होता है सेक्शन फोर क्लॉज वन सब क्लॉज डी में कहा गया है कि इन केस ऑफ कंपनी इन विच लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी वे कंपनी जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी शेयर्स और गारंटी द्वारा लिमिटेड है उस कंपनी के लिए के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट कंटेन क्लॉज स्टेटिंग द उस कंपनी के मेमोरेंडम में ये क्लॉज होना चाहिए कौन सा क्लॉज ये चीज़ लिखी होनी चाहिए द लाइबिलिटी ऑफ मेम्बर इज़ लिमिटेड ये वाला क्लॉज ये वाला स्टेटमेंट उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए इवन कंपनीज एग्जेप्ट फ्राम यूजिंग वर्ल्ड लिमिटेड इन देर नेम अंडर सेक्शन एट ऑल्सो स्टेट दैट जिन कंपनीज़ को एग्जैम्पन मिला हुआ है लिमिटेड वर्ड यूज ना करने का कि वह लिमिटेड वर्ड यूज़ ना करें सेक्शन एट के अंडर उन कंपनीज़ को भी ये स्टेटमेंट अपने मेमोरेंडम में लिखना ज़रूरी है इसको लिखने से क्या होगा क्या इफेक्ट है इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन जब लिक्विडेशन होगा कंपनी का उस टाइम मेंबर कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू कंट्रीब्यूट मोर देन दी अमाउंट अनपेड ऑन दे शेयर और मोर देन हिज गारंटी जितना उसके शेयर्स पर अनपेड अमाउंट है और जितनी उसकी गारंटी है उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको कॉल नहीं की जाएगी लिक्विडेशन के टाइम पर ठीक है जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा डिजॉल्व होगी अगला है कैपिटल क्लॉस इसमें क्या क्या होता है द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच कंपनी प्रपोजेस टू बी रजिस्टर्ड एक तो कितने कैपिटल के साथ कितना अमाउंट है उस कितने अमाउंट के साथ कंपनी रजिस्टर होना चाहती है ये लिखा जाएगा कैपिटल क्लॉज में एंड द वैल्यू ऑफ शेयर्स इन टू विच इट इज़ डिवाइडेड और ये सारा कैपिटल अमाउंट जो है इसको शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाए तो ये शेयर्स की वैल्यूज कितनी है ये भी लिखा जाएगा तो ये मेन मेन पूरा आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया है अब इसमें जो कैपिटल क्लॉज है कितनी कैपिटल जो है उसको चेंज किया जा सकता है बाद में उसके प्रोसीजर वगैरह बताए हुए हैं ये कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं इसलिए हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ इसको भी कर लेते हैं प्रोसीजर फॉर अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज क्या प्रोसीजर है अगर कैपिटल क्लॉज में कोई चेंज लाना हो वो सेक्शन सिक्सटी वन में दिया गया है कि लिमिटेड कंपनी कैन मेक फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अल्ट्रेशन बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इफ़ ऑथोराइज बाय आर्टिकल्स टू डू सो लिमिटेड कंपनी जो है वो ये इस इस प्रकार के ऑल्ट्रेशन इस इस प्रकार के चेंज कर सकते हैं केवल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन द्वारा ही अगर आर्टिकल्स ऑथोराइज़ करें किस किस तरह के ऑल्ट्रेशन किस किस तरह के चेंज कर सकते हैं इंक्रीज़ इन शेयर कैपिटल बाय एन इशू ऑफ न्यू शेयर्स न्यू शेयर इशू करके कैपिटल को इंक्रीज़ कर सकते हैं कंसोलिडेट एक्जिस्टिंग शेयर्स इंटू शेयर्स ऑफ लार्जर डिनोमिनेशन और सब डिवाइड इट्स शेयर्स इंटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट इसका मतलब क्या है मान लो पाँच पाँच रुपये के दस शेयर्स हैं टोटल अमाउंट हुआ पचास रुपये ये स्मॉलर डिनिनेशन के हैं इसकी बजाय हम दस दस रुपये के केवल पाँच शेयर ले लें इनका टोटल अमाउंट भी पचास है तो ये लार्जर डिनमिनेशन के शेयर्स हो गए ठीक है अगर इसका ये तो ये तो था ये वाला सेंटेंस कंसोलिडेट एग्जिस्टिंग शेयर्स इंटू शेयर्स ऑफ लार्जर डिनोमिनेशन अगर इसका उल्टा करें लार्जर डिनोमिनेशन दस दस रुपये के पाँच शेयर्स थे टोटल अमाउंट फिफ्टी इनकी बजाय हम पाँच पाँच रुपये के दस शेयर कर दें टोटल अमाउंट फिफ्टी है तो ये हो गया सब डिवाइडेड शेयर्स इंटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट ठीक है और क्या क्या अल्ट्रेशन कर सकते हैं कैपिटल क्लॉज में कन्वर्ट फुली पेड शेयर्स इंटू स्टॉक और वाइस वर्सा फुली पेड शेयर्स जो हैं जिनका टोटल अमाउंट पेड कर दिया गया है उनको स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर स्टॉक को फुली पेड शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट अल्ट्रेशन नेक्स्ट चेंज क्या कर सकते हैं कैंसल अन ईश्यूड शेयर्स एंड टू दैट एक्सटेंड डिमिनिश द अमाउंट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल सच कैंसलेशन शेल नॉट हाउ एयर बी डीम्ड एज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल जो शेयर्स अभी इशू नहीं किए गए हैं उनको कैंसिल कर दिया जाए और इस एक्सटेंड तक उस शेयर कैपिटल में से अमाउंट को डिमिनिश कर दिया जाए कम कर दिया जाए हालांकि ये कैंसिलेशन जो है अनिश्यूर्ड शेयर्स का इसको रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं माना जाएगा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं तो ये था सिंपल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन द्वारा क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं कैपिटल क्लॉज में अब है इंक्रीज़ इन शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल में कैसे इंक्रीज कर सकते हैं सेक्शन सिक्सटी टू में कहा गया है लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल वह लिमिटेड कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल हो कैन इंक्रीज इट्स शेयर कैपिटल बाय सच अमाउंट्स एज इट थिंक्स एक्सपीडियंट सब्जेक्ट टू वह अपनी शेयर कैपिटल को बढ़ा सकती है ऐसी कंपनी उतने जितने अमाउंट से जो कि उसे ठीक लगे एक्सपीडियन एक्सपीडियंट लगे उस सिचुएशन में उसको ठीक लगे क्या क्या कंडीशन सेटिसफाई होनी चाहिए दैट आर्टिकल शुड कंटेन पावर्स ऑथराइजिंग द कंपनी टू इंक्रीज़ इट्स कैपिटल उसके आर्टिकल्स जो हैं वो कंपनी को ऑथराइज करने की उसके पास आर्टिकल्स के पास पावर होनी चाहिए कि कंपनी क्या कहते हैं शेयर कैपि कैपिटल को जो है इंक्रीज़ कर सके इस चीज़ को ऑथराइज करने की आर्टिकल्स के पास पावर होनी चाहिए और रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड इन जनरल मीटिंग और जनरल मीटिंग में इस चीज़ के लिए रेजोल्यूशन पास किया जाएगा एंड नोटिस टू रजिस्टार विद इन थर्टी डेज ऑफ रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन के पास करने के तीस दिन के अंदर रजिस्ट्रार को इस चीज़ का नोटिस भी कराना है ठीक है तो ये था इंक्रीज़ इन शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल इंक्रीज़ करने के लिए ये रिक्वायरमेंट्स थी अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है इसको देखते हैं सेक्शन सिक्सटी सिक्स में कहा गया है सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय ट्राइब्यूनल तो एक रिक्वायरमेंट तो आ गई इसमें ट्राइब्यूनल की कन्फर्मेशन चाहिए दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल या तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो ठीक है उन उसके मेम्बर्स की लाइबिलिटी शेयर्स द्वारा शेयर्स तक लिमिटेड हो या फिर गारंटी तक लिमिटेड हो या फिर गारंटी तक लिमिटेड हो, हो उसके साथ साथ शेयर कैपिटल भी हो वह कंपनी में रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन तो एक तो ट्राइब्यूनल से कन्फर्मेशन चाहिए रिडक्शन के लिए दूसरा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ज़रूरी है रिडक्शन के लिए और कैसे कैसे रिड्यूस हो जाएगी बाय एक्सटिंग एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी ऑन शेयर कैपिटल नॉट अन नॉट पेड अप जो शेयर कैपिटल अभी तक पे अप नहीं की गई है अनपेड है उस उसकी लाइबिलिटी को या तो एक्सटिंग्विश कर दो या फिर क्या कहते हैं उसकी लाइबिलिटी को कम कर दो ऐसे शेयर कैपिटल कम हो जाएगी या फिर बाय रिफंडिंग सरप्लस ऑफ द पेड अप कैपिटल पेड अप कैपिटल जितनी है उसके ऊपर जो सरप्लस आया है उसको रिफंड कर दिया जाए तो ऐसे शेयर कैपिटल कम हो जाएगी या फिर बाय राइटिंग ऑफ द लॉस्ट कैपिटल जो कैपिटल लॉस्ट हो चुकी है खो चुकी है उसको राइट ऑफ कर दिया जाए बुक्स से ठीक है ये मेथड्स थे क्या कहते हैं आपके शेयर कैपिटल रिड्यूस करने के या फिर बाय एनी अदर मेथड अप्रूव्ड बाय द कोर्ट या फिर कोर्ट कोई और मेथड बताए कि आप शेयर कैपिटल को ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं ठीक है तो इन मेथड से शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी और इन मेथड के साथ कंडीशंस क्या क्या फुलफ़िल होनी चाहिए फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड दैट द आर्टिकल्स परमिट सच रिडक्शन आर्टिकल्स ऐसे रिडक्शन को परमिट करना चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए और कन्फर्मेशन ऑफ रेजोल्यूशन बाय ट्राइब्यूनल वो ट्राइब्यूनल को क्या कहते हैं उस रेजोल्यूशन को कन्फर्म करना चाहिए ये सिचुएशंस क्या कहते हैं जब रिड्यूस करी जाती है शेयर कैपिटल उस टाइम होनी चाहिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आ जाता है तो इसमें हमने क्या किया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसमें मीनिंग देख ली हमने डेफिनेशन देख ली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पर्पस क्या क्या है कैसे प्रॉस्पेक्टिव शेयर होल्डर के कैसे काम आता है वह देख लेता है उसका इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है या फिर आउटसाइडर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं वो देख लेते हैं क्या कहते हैं कि जो कॉन्ट्रेक्ट कर रहे हैं वो पावर्स में है कंपनी के या नहीं है तो ये सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से पता लग जाता है कि कंपनीज की क्या क्या लिमिट्स हैं ठीक है उसके बाद हमने देख लिया इसके कंटेंट्स क्या क्या, क्या हैं कंटेंट्स में देखा था नेम क्लॉज किस किस तरह के नाम रख सकते हैं क्या कहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए कंपनी का ठीक है उसके बाद था एक आपका लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज कैपिटल क्लॉज ये सब थे उसके बाद हमने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लिया था जो आपकी शेयर कैपिटल थी कैपिटल क्लॉज जो था उसको कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है एक तो सिंपल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से अल्ट्रेशन की जा सकती हैं या फिर इंक्रीज़ कैसे की जा सकती है शेयर कैपिटल वो था और सबसे इंपॉर्टेंट था रिड्यूस कैसे की जाएगी रिड्यूस में आपका था ट्रिब्यूनल से कन्फर्मेशन लेना ज़रूरी है स्पेशल रेजोल्यूशन होना जरूरी है आर्टिकल्स परमिट करना ज़रूरी है ये सब कंडीशन थे तो ये हो गया आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये काफ़ी लंबा टॉपिक था रिविजन के लिए आपको ये सब रिवाइज करने के लिए अगर पी चाहिए तो उसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा अगर इंटरेस्टेड हो तो आप से ले सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं